नमस्ते नमस्कार शशिकाल आदाब वडक्कम एंड यू आर विद नम्रता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने क्लब फैक्ट्री से क्या क्या खरीदा है, प्लस उस प्रोडक्ट के रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। साथ ही आपको बताऊंगी कि क्लब फैक्ट्री से आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, उसके रिटर्न पॉलिसी, डिलीवरी टाइम इज बेस्ट और नॉट, A to Z अबाउट क्लब फैक्ट्री। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्लब फैक्ट्री से आपको जो पैकेज मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, क्लब फैक्ट्री एंड ऑल दैट। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये, तो ये लिया था मैंने, और बेस्ट थिंग इसकी है कि मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत बेस्ट लगी। जितने भी मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं उनमें से मुझे ये बेस्ट पैकेजिंग लगी, क्योंकि ये एक ऐसे प्लास्टिक है कि हम अपने क्लोजेट्स में भी रख सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। मैं पिक्चर आपको इंसर्ट कर दूंगी, यू कैन सी वेरी नाइसली। मटेरियल कपड़े का बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही क्वालिटी इसकी जो है वो बहुत ही अच्छी है। मैं इन सबके प्राइस डिस्प्ले कर दूंगी स्क्रीन पे कहीं पे भी आप। Okay, so packaging is best, I already said. So उसके बाद ये okay, so this is the bottle, ये travel bottle है। मैंने इसलिए भी लिया कि मुझे जैसे कि छोटे छोटे जो होम रेमेडीज हम बनाते हैं, जो मैं बनाती हूँ वो स्टोर करने के लिए, तो ये काफी अच्छा है ये दोनों। और इसके बॉटल बॉटल की क्वालिटी आई मस्ट से बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छी, क्योंकि मुझे काफी बेस्ट लगा जैसा मैंने देखा था इमेज में एज इट इज। और इसका जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे मैं दे दूंगी। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, दो बॉटल लाइक दिस, और उसके बाद ये है खुला। तो ये स्प्रे है, स्प्रे बॉटल है। उसके बाद मैंने मंगाया ये ट्राइपॉड, जो कि मुझे ऐसा लगा कि जो मार्केट से काफी ये सस्ता था, बहुत ही ज्यादा, और आई थिंक इसकी क्वालिटी काफी बहुत अच्छी नहीं बोलूंगी बट बेस्ट है, क्योंकि ये जब मैंने इसे बाय किया मैंने अपने कार्ट में डाला तो वो 75 रुपीज का था, और उसके सेकेंड डे ही इसका प्राइस हो गया कुछ 105 रुपीज या ऐसे। और मैंने बोला यार ये इसे फटाक से ले लो रे, तो ये 75 मुझे लगता है, बट उसके बाद ओके। उसके बाद मैंने ये लिया हेलो किटी का मिनी ब्रश किट। तो मैंने बहुत ही स्मॉल लिया, क्योंकि यूजुअली मैंने अभी तक मैंने सोचा एक ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस मैंने देखा था वो कुछ मुझे 350 रुपीज में दे रहा था, जो शॉप पे मैंने नॉर्मल शॉप पे था उसमें मैंने देखा था 350 का था, और ये मुझे मिला था 140 और समथिंग लाइक। और इसके जो ब्रिसल्स मैं बोलूंगी इट्स सॉफ्ट, जो प्रोफेशनल ब्रश की सॉफ्टनेस होती है वो नहीं है, बट बेटर देन द वर्स्ट ब्रश, क्योंकि प्रोफेशनल ऑब्वियसली वो महंगा आता है एंड 150 में आई थिंक इट्स बेस्ट। ये पूरा सेट है ब्रश का, तो मैं आपको ब्रशेस दिखा देती हूँ, ये सारे ब्रशेस हैं। सो ये तो आई थिंक दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड प्राइस 23 रुपीज में आई थिंक इट्स अमेजिंग, बहुत ही प्यारा है डिटेलिंग एंड आई जस्ट लव दिस।
टू सेट्स मंगवाए इसके. एंड नेक्स्ट मैंने ये लिया है एक्सेसरीज में, अगेन चेन है और ये बहुत ही प्यारा है. ये 27 का है. बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ 23 rupees 24, आई थिंक आपको ये प्राइस अभी शायद ना. तो ये चेन है और इसे कुछ इस तरीके से वेयर करना है. इसका जो प्राइस है ये 27 rupees का, लेकिन अब इसका प्राइस उन लोगों ने बढ़ा दिया है. एंड जी याद नहीं, स्क्रीन पे मैंने दिया है, आप चेकआउट कर लीजिए. इतना तो ग्लव फैक्ट्री की जो प्राइस है वो अप डाउन होती रहती है बहुत ज्यादा. ये मैंने ऑब्जर्व किया जब मैंने ये सारी चीजें बाय की और कंपेयर किया. जरूरी नहीं कि सारे प्राइस हाई होते हैं, अप डाउन होते रहते हैं प्राइस. तो मेक श्योर कि अगर आपको ग्लव फैक्ट्री से कुछ खरीदना है तो आप उसके ऐप को थोड़ा फॉलो कीजिए, देखिए ये आज कितना है कल कितना है. उस कंपैरिजन में आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आप अपने कार्ट में लीजिए, तो वो शायद कम भी होता है और ज्यादा भी होता है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज अगेन एक्सेसरी. इसका जो प्राइस है ये मैंने लिया था 105 में, बट मैं अभी देख रही हूँ तो इसका प्राइस काफी कम हो चुका है. सो अगर आपको चाहिए तो, एंड इट्स beautiful. तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तो महंगा पड़ गया क्योंकि ये 105 rupees है और अब इसका प्राइस कम हो चुका है. सो यू कैन बाय. तो बेसिकली आपको मैं ये बता दूं कि जो प्राइस है वो बहुत अप डाउन होते रहता है इसका. सो मेक श्योर की, और सबसे चीपेस्ट थिंग और प्राइस जो भी आप बोले वो चीज मैंने ली है. ये नेल आर्ट का स्टिकर है जो डिजाइन करते हैं. आई थिंक जल्दी आप मेरे चैनल पे ये देखेंगे जो ये है. ये मुझे मिला है 8 rupees में. 8 rupees में मुझे ये मिला, पर अब इसकी प्राइस जो मैं देख रही हूँ वो कुछ 49 rupees है. तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंट. आई डोंट नो व्हाई. एंड मेरे ख्याल से ये 49 का तो नहीं होना, नहीं देना चाहिए. एटलीस्ट 15-20 rupees, बट 49 rupees किस हिसाब से लोग इतना बड़ा, आई डोंट नो. बट ये मुझे मिला 8 rupees एंड दिस इज द चीपेस्ट थिंग आई गॉट एंड इट्स नाइस. और उसके बाद मुझे मिला है माय फ्री प्रोडक्ट एंड ये मैंने लिया है मेरे भाई के लिए. और ये है बेल्ट. एक्चुअली ग्लव फैक्ट्री पे बहुत ही अच्छा ऑफर्स रहता है. इस पे सिर्फ ये, उनके पे जब मैंने बाय किया था तो सिर्फ यही था कि उस पे आपको लाइट्स चाहिए थे. मैंने मुझे ये बैग पसंद आया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. ये बैग मुझे पसंद आया था और इसके लिए चाहिए थे 30 likes. मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को सेंड किया, फटाफट लिंक किया, मुझे 30 likes दो. थैंक्स टू ऑल दोस फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सारे लाइक्स दिए. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे 30 likes मिल भी गए और वो मेरे कार्ट में ऐड भी हो गया था बैग, बट आई लॉस्ट क्योंकि मैंने उसके सेकेंड डे ऑर्डर किया और तब तक वो बैग आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था. एंड मुझे सच में बहुत ज्यादा ही बुरा लगा क्योंकि वो बैग बहुत ही प्रिटी, बहुत ही प्यारा था. बट मैं सीट से ज्यादा टाइम से पहले कुछ नहीं देता. तो मुझे फिर बाद में ये जस्ट ऑर्डर करना था. तो ये 5 likes, इस पे सिर्फ 5 likes चाहिए थे. आप फ्रेंड्स को लाइक सेट पे आपको फ्रेंड को वो लिंक सेंड करना, फ्रेंड को लाइक करना और आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता. तो ये मुझे 5 likes पे, यही था सबसे कम 5 likes पे. बाकी के सारे जितने भी थे वो फटक से आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे. तो मेक श्योर अगर कोई भी ऐसा ऑफर चल रहा है क्लब फैक्ट्री पे और अगर आपको बाय करना है तो इंस्टेंटली आप कार्ट में लीजिए और उसे बाय कर दीजिए क्योंकि वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होता है. बीच में एक दिवाली सेल भी चल रहा था जिसपे की 600 off था, वो भी कुछ 1-2 hours के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था. तो मेक श्योर कि ये सारे ऑफर्स अगर चल रहे हैं तो जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार कार्ट में कोई चीज आ जाए उसके बाद
इट्स ब्रोक माय हार्ट. तो अगर आप कुछ लेने तो फटक से. और इसकी बेल्ट की क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है. ये इसका प्राइस क्या था मुझे नहीं पता, बट मैं आपको डिस्प्ले पे होगा आप देख लीजिए. सो ये मैंने, ठीक है, मैंने बोला भाई के लिए ले लेती हूँ. उसके बाद ये स्टैम्प मैंने एक्चुअली मंगाया था नेल आर्ट टूल्स प्लस ये स्टैम्प. नेल आर्ट का टूल्स उनके पास नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो वो तो कैंसिल हो गया, उसका स्टैम्प सिर्फ आया. आई डोंट थिंक यू विदाउट द प्लेट, नेल आर्ट प्लेट इसका कुछ यूज है, बट या इट्स नाइस. 57 rupees का है ये. सो प्रोडक्ट के रिव्यूज तो मैंने जैसे कि आपको बता ही दिए हैं. और अगर मैं बात करूँ डिलीवरी टाइम की, तो मुझे तो जो डिलीवरी टाइम दी गई थी उससे उन लोगों ने 10 डेज एक्स्ट्रा लिए. सेकंड थिंग, इसका रिटर्न पॉलिसी में मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि कोई दूसरे वेबसाइट से जो शॉप करती हूँ उनके रिटर्न पॉलिसी में ये रहता है कि आपको सिर्फ आप रिटर्न पे क्लिक कीजिए, वो आपको रिफंड कर देंगे पैसा, और जो भी उनका बंदा रहेगा वो आ जाएगा लेने के लिए, प्रोडक्ट आप उनके हाथ में दे दीजिए एंड इट्स डन. बट इनके रिटर्न पॉलिसी में आपको जब रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो आपको कोरियर प्रोसेस बताएंगे और आपको आपकी ये सारे पैक जो भी स्टफ्स है वो पैक करके आपको अपनी चार्जेस पे कोरियर करना है. जब उन्हें कोरियर रिसीव हो जाएगा उसके बाद वो आपको पैसा रिफंड करेंगे. सो मेरे हिसाब से इट्स टोटली जीरो एंड बैड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. सेकेंड थिंग, इनका कैश ऑन डिलीवरी नहीं है. कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है. सो या अगर कोई क्लब फैक्ट्री वाला सुन रहा हो तो प्लीज गाइस कैश ऑन डिलीवरी करो, आपके सेल्स बढ़ जाएंगे. एंड द थर्ड थिंग की अगर 2000 के अंदर आप बाय करते हैं तो आपको डिलीवरी चार्जेस लगेगा, जो कि 128 था जब मैंने पे किया था, और आई थिंक मेरे ख्याल से अब वो बढ़ चुका है डिलीवरी चार्ज भी. आई एम नॉट श्योर, बट मैंने जब देखा था तो वो बढ़ गया था. सो आप एक बार चेक कर लीजिए. तो कौन सी प्रोडक्ट आपको खरीदनी चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट नहीं खरीदनी चाहिए. तो जैसे अगर कोई भी मैं ये आप एक इमेज यहाँ पे जो इमेज है वो आप देख सकते हैं, वहां पे नेल आर्ट का प्लेट है. यहाँ पे आपको 3-4 नेल आर्ट प्लेट दिखता है. अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आप यूजुअली आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये 4 प्लेट दिखा है तो ये 4 प्लेट देगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक दे रहे हैं. ओके, तो इसलिए आप कोई भी प्रोडक्ट का अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़िए प्लस रिव्यू, क्योंकि कुछ कुछ प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में भी नहीं दिया रहता कि ये इसका हम एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं या 2 प्रोडक्ट दे रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वहां पे नहीं लिखा रहता. रिव्यू में हम जैसे आप जैसे कस्टमर एटलीस्ट वो बताते हैं कि हमें ये 1 मिला है या 2 मिला है या इसकी क्वालिटी कैसी है. तो मैं आपसे बोलूंगी जिस प्रोडक्ट की रिव्यू है आप वो रिव्यू पढ़ के और वही बाय करें, क्योंकि और जिसके रिव्यू नहीं दिए हैं मोस्ट प्रोबेबली आप उसको स्किप कीजिए. मेरी फ्रेंड ने बाय किया था जिसका रिव्यू नहीं था, ड्रेस था आई थिंक, और उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी. सो दैट्स व्हाई मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ. सो आई होप कि मेरी इन सारे टिप्स ट्रिक्स और रिव्यू से आपको बहुत हेल्प मिल गई होगी क्लब फैक्ट्री से शॉप करने के लिए. फटाफट क्लिक कर दीजिए लाइक बटन पे, मुझे चाहिए बहुत सारे लाइक. अपने एक्सपीरियंस अगर आप बाय कर रहे हैं या कर चुके हैं क्लब फैक्ट्री से, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स. और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो छोटी सी घंटी दी गई उसे भी बजा दीजिए. तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड कीप शॉपिंग. 2000 के अंदर रहेगा तो आपको डिलीवरी अगर ऑडविक ओफ ऑडविक नो डक भाभी इसको लेके जाओ, भाभी इसको लेके जाओ, दूधू दूधू नहीं है ऑडविक जाओ.